डंडों से पीट पीट कर दो लोगों की हत्या कर दी गई और घटना स्थल के पास खून से सना हुआ डंडा मिला है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रंधाई रोड पर यह वारदात हुई है और एक शव देर रात जिला अस्पताल पहुंचाया गया है और आज सुबह फिर एक और शव मिला है। एक युवक की पहचान भैरुंदा के शाहिद शाह के रूप में हुई है, दूसरा युवक खंडवा जिले के मुंदी का शैतान सिंह कोरकू है। तो घटनास्थल पर एसपी अभिनव चौकसे मौजूद हैं। कपिल शर्मा हमारे स्विगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, चूंकि ये पूरी जो वारदात है बहुत रहस्यमय लग रही है, पहले तो पूरी वारदात भी बताएं और उस पर क्या आगे कार्रवाई रही है ये भी बताएं। जी, आपको बताना चाहूंगा कि बीती रात को हरदा से करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पर रनई रोड पर दो लोगों की हत्या कर दी गई डंडे से पीट पीट कर। सूचना मिलते ही एक व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचा दिया, ये सोच के कि शायद एक्सीडेंट में खत्म होगा, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके बाद सुबह हुई और एक और व्यक्ति का शव मिला, दोनों व्यक्तियों के शव पहुंचाए गए। घटना स्थल पर एसपी अभिनव चौकसे पूरी टीम के साथ पहुंचे और जब छानबीन की तो वहां से खून से सना एक डंडा मिला, जिससे ये क्लियर हो गया है कि इनकी पीट पीट कर हत्या की गई है। ये बताया जा रहा है कि ये मजदूर है, कहीं से पानी देने आए थे किसी किसान के खेत में, लेकिन इनकी ज्यादा जानकारी कोई नहीं बता पा रहा है, स्थानीय लोग भी नहीं बता पा रहे हैं और ये अभी अज्ञात है। लेकिन इनकी पहचान, इनके पर्स में जो दस्तावेज रखे थे उनके आधार पर, एक भैरुंदा का शाहिद है और दूसरा खंडवा जिले के मुंदी का शैतान सिंह है, कोरकू है। दोनों के सबको जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। वही घटनास्थल पर एसपी एवं आला अधिकारी सब मौजूद है और बारीकी से घटनास्थल की जाँच कर रहे हैं। कपिल, क्या किसी विवाद का पता चल पाया, वो कुआं कौन सा है जहां पर, क्या कोई कोई स्पेसिफिक लोग ही पानी भरते हैं, क्या उस कुएं को लेकर भी कोई विवाद रहा है क्या, या इसकी जानकारी मिल पाई है, और जो लोग मारे गए हैं वो कौन थे और क्या उनसे किसी का विवाद था, ये पता चल पाया है? नहीं नहीं, ये जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है वो हरदा के निवासी नहीं है, ये दोनों बाहर के निवासी और पहली बार ही जिले में और स्थानीय लोगों को देखने मिले हैं। उनका कहना ये पड़ रहा है स्थानीय लोगों का कि हमने इनको पहली बार देखा, ये अज्ञात व्यक्ति, हम इनको नहीं पहचानते। इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि बाहर के व्यक्ति थे, यहाँ के नहीं है, इसलिए इनका किसी से झगड़ा हो नहीं सकता, विवाद नहीं हो सकता। हालांकि पास में नदी है और वहीं से जो खंडवा बैतूल के लिए रास्ता जाता है, इधर नर्मदापुरम के लिए रास्ता जाता है, हो सकता हो किसी ने इनके लाके यहाँ मार के और फेंक के गया हो, ये भी हो सकता है, या कोई दूसरा मामला हो सकता है। अभी पुलिस एसपी अभिनव चौकसे वहां मौजूद है घटनास्थल पर भी, और भारी पुलिस और मौजूद है जो घटनास्थल पर जांच कर रहे हैं और अन्य विषयों की जांच कर रहे हैं वहां पर। चलिए कपिल, आप नजर बनाए रखिएगा, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है, तस्वीरें भी हम आपको दिखाने, एक्सक्लूसिव तस्वीर, कल एक शव मिला और आज एक और शव मिला, पहले इसे एक्सीडेंट माना गया लेकिन अब ये डबल मर्डर के रूप में सामने आया, पुलिस जांच कर